कानून के तहत किसी भी सोसाइटी को तीन तरीके से भंग किया जा सकता है। पहला, सोसाइटी के कुल सदस्यों में से 3/4 सदस्यों के बहुमत से। दूसरा, निबंधक यानी रजिस्ट्रार के द्वारा। और तीसरा, कोर्ट के आदेश के बाद सोसाइटी को भंग किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सोसाइटी पंजीकरण एक्ट की धारा 13 के तहत कुल सदस्यों में से 3/4 सदस्यों का प्रस्ताव पारित होते ही सोसाइटी तत्काल भंग हो जाएगी, इसके लिए निबंधक के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, मतलब निबंधक से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रार को सिर्फ सोसाइटी भंग करने का प्रस्ताव भेजकर सूचित करना ही पर्याप्त है। प्रबंध समिति महिर से कपिल मुनि शिक्षा समिति मैनपुरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा कि याचिकी संस्था ने सर्वसम्मति से सोसाइटी भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है, इसके लिए निबंधक के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। याचिकी सोसाइटी का सर्वसम्मति से भंग करने का प्रस्ताव पारित होते ही सोसाइटी तत्काल भंग हो गई है, इसकी सूचना वो निबंधक को भेज दे। याची ने सोसाइटी भंग करके सारी संपत्ति नई संस्था महिर से कपिल मुनि शिक्षा ट्रस्ट को स्थानांतरित कर दी है। याचिकाकर्ता का कहना था कि सोसाइटी भंग करने का प्रस्ताव पारित कर उप निबंधक को अनुमोदन के लिए भेजा गया है, लेकिन वह कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, इस बाबत निर्देश जारी किए जाएं। हाई कोर्ट ने सोसाइटी भंग करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निबंधक को निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा समादेश जारी नहीं किया जा सकता।